बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का सूरतगढ़ दौरा, प्राचीन जालवाला रामदेव मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, सांसद निहाल चंद, विधायक राम प्रताप कासनिया, पूर्व विधायक अशोक नागपाल और राजेंद्र भादु भी इस दौरान मौजूद रहे। पूजा अर्चना के दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि जेपी नड्डा बीकानेर संभाग के दौरे पर हैं। इस दौरे के अपने आप में कई मायने हैं। मायने इस बात को लेकर भी है कि बीकानेर संभाग में जिस तरीके से 2023 के लिए बीजेपी तैयारी कर रही है, क्या वहां आम आदमी पार्टी की सक्रियता बीजेपी के लिए समस्या बन सकती है। शायद यही वजह कि बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ, ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ जेपी नड्डा संवाद करेंगे। और बीजेपी जिस तरीके से ग्रास रूट के कार्यकर्ताओं को हमेशा चार्ज करने का काम करती है, उसी दिशा में जेपी नड्डा एक बार फिर से राजस्थान, लेकिन ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में पॉलिटिकल मूवमेंट नेताओं की तेजी से बढ़ी है। अमूमन ऐसा नहीं देखा गया कि चुनाव से इतने वक्त पहले इतनी ज्यादा मूवमेंट नजर आए। इसका मतलब यह है कि 2023 का चुनाव राजस्थान में काफी रोमांचक रहने वाला है। जेपी नड्डा लगातार राजस्थान का दौरा कर रहे हैं। आने वाले वक्त में कहा जा रहा है कि अमित शाह भी उदयपुर का दौरा करेंगे। और इस दौरे के दौरान न सिर्फ कार्यकर्ताओं को चार्ज किया जाएगा, बल्कि नेताओं को भी संदेश कड़े शब्दों में देने की कोशिश जेपी नड्डा करेंगे। इसके अलावा जिन सीटों पर 10,000 से कम मार्जिन के साथ हारे हैं या जीते हैं, उन पर किस तरीके से बीजेपी को और मजबूत किया जाए, इस पर भी मंथन होगा। राजस्थान में 2014 के चुनाव के बाद बीजेपी ने यह तय किया था कि सभी जिला स्तर पर उनके ऑफिस होंगे। 13 ऑफिस वर्तमान स्थिति में राजस्थान के अंदर बीजेपी के जिला स्तर पर हैं। कुछ ऑफिसों का उद्घाटन जेपी नड्डा करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें सूरतगढ़ दौरे के दौरान जब जेपी नड्डा पहुंचे प्राचीन जालवाला रामदेव मंदिर, और वहां उन्होंने पूजा अर्चना की। उनके साथ राजस्थान की लीडरशिप मौजूद है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया मौजूद हैं, बीकानेर से आने वाले और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल मौजूद हैं। बीकानेर से ही आने वाले, संभाग से आने वाले सांसद निहाल चंद मौजूद हैं, जो कि गंगानगर बेल्ट से आते हैं। विधायक राम प्रताप कासनिया हैं, पूर्व विधायक अशोक नागपाल हैं, राजेंद्र भादु भी इस दौरान मौजूद रहे।